हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 6 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट की एनसीईआरटी एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 4 हमें दे रखा है, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 6400। हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वेयर रूट निकालना है। देखो ये जो सिंबल होता है ये होता है स्क्वेयर रूट का, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें क्या करना होता है, हमें इन नंबरों के फैक्टर करने होते हैं। जिन नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर मिल जाते हैं, उसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है। 2 का इसमें डिवाइड दिया 3200 आया, 2 का इसमें डिवाइड दिया 1600 आया, 2 का डिवाइड दिया 800 आया, 2 का डिवाइड दिया 400, 2 का डिवाइड दिया 200, 100, फिर 2 का डिवाइड दिया 50, 2 का डिवाइड दिया 25 आया। 25 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा, 5 आ रहा है। 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता, ये 5 का डिवाइड जाएगा। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 आए हमारे पास 2। देखो अंडर रूट तभी सॉल्व होता है जब दो नंबर का पेयर बन जाए और दो में से कोई एक नंबर ही बाहर आ पाता है। तो इन दोनों का पेयर बना, सेम नंबर होनी चाहिए दोनों के दोनों, इनका पेयर बना इनका पेयर। तो अगर अंडर रूट को सॉल्व करना है तो इनके पेयर में से एक ही नंबर बाहर आएगा, इन दोनों में से 2 2 2 और 5। देखो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 × 5 16 को 5 से करेंगे तो 80 आएगा, यानी कि 6400 का स्क्वेयर रूट कितना होगा, 80 होगा। ये हमारे एग्जांपल नंबर 4 का सॉल्यूशन होगा, क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 5। बोला है इज़ 90 अ परफेक्ट स्क्वेयर, क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है। परफेक्ट स्क्वेयर नंबर होता क्या, मैं वो बता दूं पहले आपको। परफेक्ट स्क्वेयर नंबर देखो 1, 4, 9, 16 ये सारे परफेक्ट स्क्वेयर नंबर में आते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है खुद को खुद से मल्टीप्लाई करके बने हैं, 4 को 4 के साथ, 3 को 3 के साथ, 6 को 6 के साथ, 7 को 7 के साथ। तो अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ, सबका पेयर बन जाता है, तब तो ये परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है। सबका पेयर नहीं बन पाता तो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वेयर नंबर खुद को खुद से मल्टीप्लाई करके बनता है। 2 का डिवाइड दिया कितना है, 45। अब 2 का तो जाने लगे होंगे, आखिरी में 5 आ गया। 3 का डिवाइड, अब पता कैसे लगा 3 का डिवाइड जाएगा, दोनों को प्लस करो, 4 प्लस 5 9 9, तो 3 की टेबल में आता है, 3 का डिवाइड चला जाएगा। 3 का डिवाइड दिया कितना है, 15। 3 का डिवाइड दिया, 3 5 15, 5 में तो 5 का डिवाइड जाएगा। तो 90 के फैक्टर क्या हुए, 2 × 3 × 3 × 5। तो देखो 3 का तो पेयर बन गया ना, 2 का बन पाया ना 5 का बन पाया। अगर 2 का पेयर 2 के जैसा बन जाता है यहाँ पे, या 5 का पेयर 5 के जैसा बन जाता है, जैसे ऊपर में बने ना, 5 का पेयर कौन बना, 5 बना, 2 का 2 बना, तो ऐसे पेयर बन जाते तब तो ये परफेक्ट स्क्वेयर नंबर बन जाता, बट पेयर नहीं बन पाया इसलिए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 डू नॉट अकर इन अ पेयर, यानी कि दोनों पेयर में नहीं आए, इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में बोला है इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, क्या एक परफेक्ट स्क्वेयर है। इफ़ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वेयर नंबर बन जाए। फाइंड अ स्क्वेयर रूट ऑफ द न्यू नंबर, उसका स्क्वेयर रूट भी हमें निकालना है, क्लियर। तो देखो जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसके करते हैं फैक्टर, अगर फैक्टर करने पे सभी के पेयर बन जाते हैं तब तो ये परफेक्ट स्क्वेयर नंबर होगा, पेयर नहीं बन पाते हैं तो फिर आगे हम उसको नंबर से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वेयर नंबर बनाएंगे। 2 का डिवाइड दिया, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 6 जा 12। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये नंबर आते हैं तो मतलब 2 का डिवाइड चला जाता है। इसमें फिर मैंने 2 का डिवाइड दिया, ये आएगा हमारा 588। 2 का डिवाइड दिया, 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 4 जा 8, लास्ट में 4 आया, 2 का डिवाइड चलता जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 4 जा 8 2 7 जा 14 कितना आया, 147। अब इसमें 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 7 आ गया। 3 का चेक करते हैं, 3 का रूल क्या है, सबको जोड़ के देखो, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 7 12, 12 3 की टेबल में आता मतलब 3 का डिवाइड जाएगा। 3 4 जा 12 3 9 जा 27, 49 है, 3 की टेबल में तो नहीं आएगा, कैसे, 4 प्लस 9 13 13, तो 3 की टेबल में नहीं आता, 7 का ही डिवाइड जाएगा। 7 7 जा 49 7 1 जा 7। तो इसके जो फैक्टर हैं, इस फैक्टर को मैं यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ, 2352 इक्वल होगा 2 इंटू
2 × 2 × 2 देखो 1, 2, 3, 4 हैं, तो मैंने 4 लिख दिए, फिर कितना है हमारा 3 आया, इंटू में 7 × 7 देखो इन दोनों का पेयर बना, इनका पेयर बना, इन दोनों का पेयर बना, सभी का पेयर बन गया सिवाय 3 को छोड़कर। अगर 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर वी शुड मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर वी शुड मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2352 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, जो यहाँ पे 3 नंबर मिसिंग था उस 3 नंबर को भी हमने यहाँ पे लगा दिया। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9 और 10 1 कैरी, 3 × 2 = 6 और 7, यानी 7056 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है। और इनको मैंने एज इट इज़ उतार दिया यहाँ पे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, ठीक है। अब हमें अगर इसका हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो मिल गया, हमें इसका क्या निकालना हो, अंडर रूट निकालना हो। कैसे निकालेंगे, इनके पेयर में से इन पूरे पे क्या लगा लेते हैं, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, इनका पेयर बना, पेयर बना, पेयर पेयर, इन दोनों में से 2 बाहर 2 बाहर 3 बाहर 7 बाहर, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 7056 होगा, और जो अंडर रूट उसका स्क्वायर रूट होगा, चाहे आप स्क्वायर रूट बोल लो या अंडर रूट बोल लो, 7056 का वो कितना निकल के आएगा, 84 निकल के आएगा। इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।